मेरी आवाज आई? जी नमस्ते सर। खुश रहो, नमस्ते सर। नमस्ते सर। खुश रहिए, खुश नमस्ते सर। नमस्ते सर। खुश रहो। नमस्ते सर। अर्चना, वीरेंद्र, राकेश, सुन, नमस्ते सर। नमस्ते सर। खुश रहो बेटी। रानी, मीनू, और कौन? नमस्ते सर जी। खुश रहो नमस्ते बेटा, नमस्ते सर जी। सर मेरा नाम राकेश नहीं है, मेरा नाम मोना है। हाँ? मेरा पूनम। नाम मोना। नाम नमस्ते सर। मोना, राकेश नहीं, मोना। अच्छा, ये तो राकेश गुप्ता लिख रहा है। उससे क्या होगा सर, वो मेरे हस्बैंड का नाम है, पर ज्वाइन मैं कर रही हूँ। अच्छा, जी सर। ठीक, तो उन्हीं के नाम से सुन लिया करो। ठीक है बेटा। हाँ सर ठीक। अच्छा, मेरी मेरा चेहरा दिखता है क्या? छाया जी सर, दिख रहा है, दिख रहा है। आ रही है क्या? नहीं। दिख थोड़ा रहा है। हाँ थोड़ा अंधेरा दिख रहा है। हाँ जी। अंधेरा दिख रहा है। हाँ सर। अभी ठीक हुआ? जी सर। जी सर हाँ ठीक सर है। ठीक है सर। तो ठीक है, शुरू करते हैं। कितना बजा है? 4:05 हो गया। ठीक है ना? परसों हम लोग क्या पढ़े थे? होरिया और के बारे प्रेमचंद्र गोदान पर। के बारे में। हाँ, प्रेमचंद के बारे में। जी गोदान का भी मैंने संक्षेप में थोड़ा थोड़ा बताया था, तो आपका आप लोग जो स्नातकोत्तर पीजी कर रहे हैं हिंदी में, उसमें क्या है, आप लोगों को कहानी से ज्यादा। मेरा चेहरा दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है अभी, नहीं दिख रहा। अच्छा अच्छा ठीक है, 1 मिनट। अभी दिखाई दिया? नहीं दिख रहा है। अभी कैमरा ऑफ हो गया है गुरुदेव। 1 मिनट। वो बोल रहा है मीट कैन नॉट यूज योर कैमरा। क्यों? सर ठीक है, मैं कैमरा के वगैरह आप कर ही सकते हैं। रुको रुको, नहीं सर, चेहरा दिखता है तो अच्छा लगता है। सर चेहरा आवाज कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अभी हुआ? राकेश जी थोड़ा रुकिए, आ जाएगा। अरे वो राकेश नहीं है, हमारी बिटिया है मोना नाम है ना मेरा। सर मोना। अभी हुआ, अभी हुआ। अच्छा, तो मोना जी, अब ठीक है, दिखाई दे रहा सर। आप एक काम करो, ये आपके मोना, यस सर। आप अपनी मोबाइल में जो नाम लिखे हो ना, राकेश गुप्ता, हाँ सर चेंज करो। उसमें राकेश मोना लिख दो। ठीक आपने जो सेव कर रखा है जी सर। मोबाइल में, नाम सेव कर रखा है ना, जी सर। उसमें राकेश गुप्ता के नाम से ये नंबर सेव है, तो यस सर। उसमें मोना जोड़ दो साथ में। ठीक तो सर। यहाँ आप मोना को ईमेल पहले आईडी एक जोड़। बनवा लीजिए। हाँ नहीं, पहले मोना जोड़ देना तो हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, अभी शुरू करते हैं। मेरा चेहरा भी दिखाई दे रहा है? नहीं सर, नहीं अभी सर, नहीं हो गया। अभी तो नहीं दिखाई दे रहा था। नहीं हाँ सर, अभी नहीं दिखाई दिखाई नहीं नहीं हो रहा है। दे रही है। ठीक है, मैं बोलता हूँ, वो कुछ गड़बड़। अभी दिखाई दिया? ये सर। सर जी सर, दिख रहे हैं आप। हाँ सर। हाँ सर।
ठीक है, तो अभी जी सर दिखाई दे रहा हाँ, तो हम लोग शुरू करते हैं। गोदान के बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ। गोदान में हाँ प्रेमचंद के, प्रेमचंद की विशेषताएं मैं बता रहा था, तो उसमें उनके उनकी रचनाओं में अधिकतर एक भाव अवश्य होता है कि जो भी गलत काम करते हैं, जो पापी हैं, या जो भी जो समाज विरोधी तत्व होते हैं या गलत व्यवहार करते हैं दूसरों से, वे सभी के सभी पश्चाताप करते हैं और सही रास्ते पर आ जाते हैं। ये एक भावना उनके मन में, सुधारवादी चेतना उनके उनकी रचनाओं में दिखाई देती हैं, सबसे ज्यादा दिखाई देती हैं उपन्यासों में। ठीक है, कहानियों में तो इतना मौका नहीं होता कि उसको सुधार के लिए तरफ मोड़ा जाए, लेकिन चूंकि उपन्यास लंबी रचना होती है, लंबी रचना होता है, इसलिए उसमें उन्होंने लगभग हर उपन्यास में वो वापस मुड़कर आते हैं सही रास्ते पर। तो ये एक भावना होती है। दूसरी भावना है उनके उनकी कहानियों में और उपन्यासों में, आप लोग नोट करते जाइए, एक है जो निम्न वर्ग मतलब गरीब तबका, निम्न का मतलब जाति से नहीं, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मध्य वर्ग जब कहा जाता है तो उसका आशय आर्थिक श्रेणी से होता है। जो निम्न वर्ग मतलब जिनकी कमाई बहुत कम है, मध्य वर्ग मतलब जो खाते पीते हैं और कुछ कुछ जोड़ भी लेते हैं, और उच्च वर्ग का मतलब है जो बहुत ही आराम की जिंदगी जीते हैं, वो है उच्च वर्ग। तो पिछले कुछ वर्षों में लगभग 30 वर्षों में एक उच्च मध्य वर्ग बन गया है। मध्य वर्ग, निम्न मध्य वर्ग, उच्च मध्य वर्ग, मध्य वर्ग दो भागों में बट गया है। कैसे? ये सरकार की नीतियां जो हैं, खासकर ये वर्ग का बंटवारा हो जाता है सरकारी कर्मचारियों की वेतन के आधार पर। जो चौथा पांचवा वेतन आयोग बैठा था, ये वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों के लिए बैठता है, तो उन्होंने क्या किया, सबका 3 गुना कर दिया, मतलब और उसको उनको फुर्सत नहीं है विचार करने के लिए। जो जिसकी तनख्वाह 10,000 थी वो हो गया 30,000, जिसकी तनख्वाह 20,000 थी उसका हो गया 60,000, जिसका 60 था वो हो गया 1,80,000। मतलब मैंने एक उदाहरण दिया, तो इससे क्या हुआ, जो अलग अलग वर्गों के बीच में जो फासला था वह फासला बहुत अधिक बढ़ गया, जिसके कारण जो मध्य वर्ग के कुछ लोग उच्च मध्य वर्ग बन गए, और उच्च वर्ग वाले जो हैं वो समझो कि बुर्जुआ बन गए। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूं मतलब अनुभव के आधार पर, तो जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं हमेशा विश्लेषण करता रहता हूं। तो खैर, प्रेमचंद की रचनाओं में, प्रेमचंद कब लिख रहे थे, जब कार्ल मार्क्स वामपंथी, कार्ल मार्क्स का उदय नहीं हुआ था तब प्रेमचंद लिख रहे थे। उस समय उड़ीसा में फकीरमोहन सेनापति लिख रहे थे। तो इन लोगों के, लोग कहते हैं वामपंथी विचारधारा, वामपंथ आया ही नहीं था, यह एक स्वाधीन चेतना, स्वतंत्र चेतना लेखक के मन में होती है, हर लेखक के मन में उसकी अपनी सोच होती है।
उसको किसी वामपंथी दक्षिणपंथी या इस तरह से जोड़ देना, यह एक बहुत ही गलत तरीका है। तो इनकी रचनाओं में जो गरीब तबका है, खेतीहर, मजदूर, किसान, जो मेहनत करके जीने वाले लोग या कारखानों में काम करने वाले श्रमिक, इन सबके प्रति एक अहेतुक संवेदना, एक मतलब लेखक की चिंताएं, लेखक की सहानुभूति इस तबके के साथ रहती है। अब वह गोदान गोदान में इसको आप, मैं प्रेमचंद की विशेषताएं बता रहा हूं, तो फिर अगली विशेषता बताऊंगा, अगर भूल जाऊंगा तो मुझे पूछ लेना। तो इसमें गोदान में देखो, होरी जो गोदान का नायक है गरीब किसान है, उसने बेईमानी भी की है एक बार, अपने जीवन में एक ही बार उसने बेईमानी की है। उनका साझा बांस था, वो बांस जो उसको क्या बोलते हैं, एक जो बांस जहां पर होता है उसका उसका बच्चा निकलता रहता है ना पौधे उसके जड़ों से, उसको क्या बोलते हैं, कोई बता सकेगा? बांस जैसे केले का पेड़, केले का पेड़ जो है हाँ? कोपर? नहीं नहीं, केले का पेड़ जो है उसकी जड़ से उसके बच्चे निकलते हैं। बस करेली सर हाँ? बस करेली, बांस करेली, यस सर, हाँ 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 बांस करेली, वो तो बांस करेली हो गया उसका जो निकला जी सर। लेकिन वो जो निकलते 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 वो बहुत चौड़ा हो जाता है, सैकड़ों बांस हो जाते हैं एक ही जगह, एक ग्रुप हो जाता है बांस के पेड़ों का छटा हुआ आपस में, उसको क्या बोलते हैं? नहीं जानते हम लोग बस बीटी बोलते हैं गुरुदेव, बस बीटी बोलते हैं, झाड़ी झाड़ी में, एक मिनट, क्या बस बीटी बोलते हैं? बांस बीटी, जी जी, आप लिखो इसमें चैट बॉक्स में लिखो, उसके उसके जो ये निकलते हैं नए बांस के पौधे निकलते हैं उसको क्या बोलते हैं, और कहाँ इसमें चैट बॉक्स नहीं दिखाई दे रहा है, ये हाँ बांस बिट्टी, क्या यह सही है? सभी बोल रहे हैं सर, झाड़ी बोल सकते हैं सर, नहीं बोल रहे हैं सर, बांस बट्टी, बिट्टी बट्टी, बांस बट्टी, गांव में छोटी की मात्रा नहीं रहेगी, छोटी की मात्रा रहेगी कि नहीं, बॉ में बांस बिट्टी, बिट्टी ठीक है ना, मैं नहीं जानता उसे पूछ रहा हूँ। अच्छा, और वो जो बांस के जो बच्चे निकलते हैं उसको क्या बोलते हैं जी? बांस करेली, बांस बिट्टी, नहीं जो उसका वो नन्हे पौधे निकलते हैं जड़ से, बांस करेली सर, हाँ ठीक है बांस करेली। तो उनकी बांस की बिट्टी, हाँ बांस बिट्टियां थी कहीं, किसकी? होरी, उसका भाई जो है हीरा, ठीक है ना, तीनों तीन भाई हैं, तो पैतृक संपत्ति के रूप में बांस बिट्टी उनकी थी, तो बीच बीच में बांस बेचते थे। तो होरी ने क्या किया, एक आदमी को बांस बेचा सैकड़ा 20 रुपया, उस जमाने में बहुत ही
20 रुपया सैकड़ा। मैंने तो नौकरी शुरू में नौकरी जब की थी कुछ दिनों के लिए, फिर मैंने नौकरी छोड़ दी, तो उसमें मेरी तनख्वाह थी 90 रुपया, एक महीने की तनख्वाह 90 रुपये। तो मैं तो 70-77 में नौकरी कर रहा था, छोड़ दिया 5-7 साल करके छोड़ दिया। फिर ये जो जब प्रेमचंद लिख रहे थे, ये जो उपन्यास छपा है ये 1936 में छपा है, ठीक है ना। तो उस समय का आंकड़ा है ये कि 100 बांस उसने बेचे 20 रुपए में, लेकिन चूंकि वो है बहुत अभावग्रस्त था, उसने जो खरीदार था उसको बताया, देख भाई तू 20 रुपए ले रहा है, तू भाइयों को 15 रुपए बताना, 15 में खरीदा है ऐसे बताना, तो मुझे 5 रुपए की जरूरत है। तो इसकी दुखती राग उसकी उसके हाथों में आ गई खरीदार की, और उसने उसको बता दिया उसके भाइयों को कि भाई ये 5 रुपए हड़पना चाहता है, ठीक है ना। तो उसके लिए काफी झगड़ा हुआ, और उसी झगड़े के कारण भाइयों में इतना मनमुटाव हो गया कि फीरा ने होरी की गाय को जहर की बूटी खिला दी, ठीक है। जो हीरा की गाय, जो भोला से गाय लाया था हीरा होरी, उसको रात को उसने चुपके से वो जहर की एक जड़ी बूटी कुछ ला करके उसको खिला दी, और वो गाय चल बसी। और रात को इसने उसको कुछ खिलाते हुए होरी ने देख लिया था। तो खैर हम प्रसंग से नहीं हटेंगे, तो हम बता रहे थे कि प्रेमचंद की संवेदनाएं, चिंताएं, सहानुभूति निम्न वर्ग के साथ चलती हैं। तो वहां इस प्रसंग पर प्रेमचंद होरी के साथ खड़े नजर आते हैं, मतलब उनकी उन्होंने जो कुछ लिखा है वह उन्होंने होरी की निंदा नहीं की है, क्योंकि वो अभावग्रस्त है, इसलिए यह जो गलत काम क्षमा के योग्य है, क्षमणीय है, ऐसी भावना उपन्यास में व्यक्त हुई है। तो प्रेमचंद की सहानुभूति हमेशा निम्न वर्ग के साथ, निचले समाज के, निचले तबके के साथ, निचला तबका बोलते हैं तो उसमें दो बातें आ जाती हैं। एक जो है जाति वर्ण के आधार पर जिनको निम्न स्तर पर रखने का प्रयास, कुप्रयास किया गया है, और आर्थिक दृष्टि से जो नीचे है। लेकिन निचला तबका कहने से अधिकतर जातिवाद को ही समझाता है। निम्न वर्ग कहते हैं तो वह आर्थिक अभाव ग्रस्त लोगों के समूह को बुझाता है। तो ये हो गई आपकी एक जो प्रेमचंद की रचनाओं की एक विशेषता। एक मैंने कहा था सुधारवादी दृष्टिकोण। फिर प्रेमचंद में कौमी एकता की भावना बहुत प्रबल थी। कौमी एकता मतलब समाज में जो मजहबी तबके हैं, हिंदू, मुसलमान, ईसाई या जो भी हैं, जितने भी हैं, ये खासकर हिंदू और मुसलमान में सबसे सब हमेशा वो चलता रहता है विरोध, क्योंकि दोनों मान्यताओं में मतलब जमीन आसमान का अंतर है, उल्टा ये जो बोलेंगे वो उल्टा बोलेंगे। तो ये जो चीज है, प्रेमचंद का की सोच थी, प्रेमचंद की सोच थी कि मुसलमान और हिंदू दोनों इस धरती की संतानें हैं, यहां रहते हैं, तो उनको भाईचारे से ही जीना पड़ेगा, एक दूसरे के विरोध से नहीं जी सकते। तो इसमें
देखो उनकी रचनाओं में, खासकर उपन्यासों में, बड़ी रचनाओं में आप देखना मुसलमान एक जरूर होगा, मुस्लिम महिला होगी, ठीक है, और कोई हिंदू महिला या हिंदू पुरुष होगा, उनमें आपस में प्रेम संबंध थोड़ा चक्कर चलेगा, ठीक है। जैसे इनकी एक रचना है कर्म भूमि, आपने पढ़ा है किसी ने कर्म भूमि? सर बहुत बड़ा, हाँ पढ़ा है अंजू? तो कर्म भूमि जो है बहुत बड़ा उपन्यास है, बहुत बड़ा, उसमें स्वाधीनता आंदोलन का जिक्र बहुत व्यापक स्तर पर किया गया है। उसमें क्या होता है, गांव के कुएं में कोई ला करके कुछ डाल देता है, ऐसा बहुत हुआ है, मतलब हकीकत में ये कहानी वाली बात नहीं है। हाँ कौन है? हाँ तो उस समय क्या होता था, कुएं में ला करके हड्डी या कुछ डाल देते थे, ठीक है। जैसे गोवा, गोवा में ईसाईकरण हुआ गोवा का, संपूर्ण ये पुर्तगाल के शासक जो राजा थे उन्होंने, पोप ने आदेश दे दिया कि पुर्तगाल का राजा ईसाइयत के प्रचार के लिए, मतलब फॉर द प्लेजर ऑफ द लॉर्ड, भगवान की खुशी के लिए पुर्तगाल के राजा जो भी करेंगे उसे ईश्वर का आदेश माना जाएगा, इस तरह से करके उन्होंने आदेश दे दिया। तो इन्होंने तलवार के बल पर सारी दुनिया में बड़ा वो मचाया, और गोवा में वैसे गांव के गांव लोगों को इकट्ठा कर लेते थे और वो उनको ईसा मसीह को स्वीकार करने के लिए बोलते थे, नहीं तो उनको मार डालते थे, जवान लड़कियों को साथ ले लेते थे ताकि जनसंख्या बढ़े, महिलाओं के बिना जनसंख्या नहीं बढ़ सकती, तो ईसाइयों की संख्या बढ़ाने के लिए, जैसे अभी मुस्लिम समाज में चल रहा है हर जगह 10 20 15 ऐसे बच्चे पैदा करते हैं, और संख्या के बल पर गणतंत्र जो है वो क्या है, वो संख्या का खेल है, तो जिसकी संख्या अधिक हो जाएगी उसका शासन चलेगा, सरिया कानून लागू हो जाएगा, ये अंदर ही अंदर चल रहा है। तो वहाँ उन्होंने क्या किया, ऐसे करके लड़कियों को ले लिया, जो जवान लड़के थे उनको दास, कृतदास बना करके ले करके अमेरिका में उधर उधर सब बेच दिया, और जो बूढ़ा बूढ़ी थे उनको मार डाला। तो इस तरह से काफी अत्याचार हुए हैं। तो कर्म भूमि में देखिए, हम लोग जब गोदान पढ़ रहे हैं तो सिर्फ गोदान पर विचार नहीं करेंगे, आपको प्रेमचंद पर विचार करना है। आपके पाठ्यक्रम में एक उपन्यास है सैंपल एक, ठीक है ना, लेकिन आपको हर उपन्यास का थोड़ा थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। आप अगर अपने उत्तर में कर्म भूमि में ऐसा ऐसा लिखा है, वो क्या कहते हैं गबन उपन्यास में ऐसे ऐसे आभूषण का प्रेम मध्यवर्गीय वो, ठीक है, वो सारा उसमें लिखा है, सेवा सदन में ऐसा ऐसा है, थोड़ा थोड़ा अगर आप लिख लेंगे ना, तो मान लो जो गोदान के किसी प्रसंग पर आप विचार कर रहे हैं, वहीं पर प्रेमचंद के बारे में आप लिखेंगे कि प्रेमचंद के उपन्यासों में ये बहुत पाया जाता है, लगभग हर उपन्यास में उन्होंने, जैसा कि जैसा कि इस उपन्यास में ऐसा ऐसा था, 5-7 पंक्तियां, फिर दूसरे उपन्यास के बारे में 5-7 पंक्तियां, या उनकी कोई कहानी, उसी उसी भावना को व्यक्त करने वाली कोई कहानी अगर मिल जाती है तो उस कहानी को भी अगर याद है थोड़ा सा उसमें लिख देंगे। तो इस तरह से इधर उधर को मिला करके अगर आप आपका उत्तर लिखा जाएगा, आपको 70-80-90% तक अंक मिल जाएंगे, अगर आपकी भाषा शुद्ध है, उसमें लिंग या लिंग दोष या जो क्या कहते हैं बनावट, भाषा की बनावट सही है और शैली प्रभावशाली है, आप 90% तक जा सकते हैं। लेकिन
आप आपको आपकी जो दृष्टि है वो व्यापक दृष्टिकोण आपका होना चाहिए। तो ये मैंने कह दिया आपको जो क्या कहते हैं कौमी एकता के बारे में प्रेमचंद की चिंताएं थी। उसमें किसी ने गांव में वो डाल दिया कुएं में, तो लोग जो कुएं से पानी लेके पी लिया वो मुसलमान हो गया, ऐसी भावना लोगों में जो अंधविश्वास है। फिर वहाँ एक मुस्लिम लड़की थी, मुस्लिम लड़की का किसी ने मतलब बलात्कार कर दिया, तो उसको किसी ने स्वीकार नहीं किया, उसके घर वालों ने स्वीकार नहीं किया। शायद शादी मुझे और याद नहीं है, शादीशुदा थी वो ऐसा कुछ है, उसके शौहर ने भी स्वीकार नहीं किया। तब वो रमाकांत ना क्या नाम है श्रीकांत, वो जो नायक है, उसने उसको अपने घर पर आश्रय दिया, तो उसके नाम से लोग दुनिया भर का वो करने लग गए। जैसे इसमें गोदान में जैसे वो जो माता दीन की रखेल, क्या नाम था उसका, सिलिया, सिलिया छोटी जाति की थी, तो माता दीन पंडित था, पंडित ने रखा था उसको। फिर उसके बाप ने, वो जो मैं बताया था खेत में, उसके रिश्तेदार सब आए, उसके मुंह में हड्डी ठूस दी माता दीन के, तो फिर उसका बाप जो दाता दीन, उसने कहा कि तू इसको क्यों रखा है, तू तो अभी जाति जात बाहर हो गया, तेरी तेरा शुद्धिकरण करना होगा, और इसको पहले इसको हटा घर से। तो उसने जब भगा दिया, उसके माँ बाप तो नाराज होकर चले गए थे, उसकी लड़की की पिटाई भी कर दी थी उन्होंने, तो क्यों नहीं आ रही है, ये इसके पास क्यों पड़ी है तू, ये थोड़े ही तुझे जीवन भर रखेगा, पंडित है। लेकिन इसका इसके मन में मोह था, इसने सोचा कि मैं तो पंडिताहीन बन गई। तो खैर इसकी सोच में कोई खोट नहीं थी, कोई खोट नहीं था, लेकिन उल्टा हो गया। दाता दीन ने जब उसको बोला बेटे को कि भाई जिसको छोड़, उसने छोड़ दिया, ये कहाँ जाएगी, माता पिता स्वीकार नहीं करेंगे। तो वो है, इसको पता चला किसको, होरी और धनिया, धनिया ने उसको बुला करके अपने घर में आश्रय दे दिया। उसके लिए भी उनके ऊपर जुर्माना हुआ, उसको भी उन्होंने झेला, पूरा जुर्माना उर्माना सब झेल लिया, लेकिन जो नीति है आदर्श है उसका दामन उन्होंने नहीं छोड़ा। इसी बिंदु पर मैंने कल आप लोगों को श्लोक लिखवाया था, ठीक है। तो ये एक चीज है, कौमी एकता और दलित चेतना। प्रेमचंद की चिंताएं दलितों के साथ, निम्न वर्ग के साथ, कौमी एकता के साथ, जो दूसरे मजहब के लोगों में आपस में प्रेम अगर होता है, वो आपस में मिलजुल कर रहते हैं, तो प्रेमचंद का सहयोग उनके साथ रहता है, ठीक है। ये सब कई चीजें जो हैं ये प्रेमचंद की रचनाओं में अवश्य मिलेंगी। तो आप इन्हीं 5-6 चीजों को अगर विस्तार कर देंगे, एक एक पृष्ठ, तो 5 पृष्ठ हो गए, ठीक है ना। तो आपको संपूर्ण उपन्यास आप नहीं भी पढ़ेंगे तो आप अगर 2-4 वीडियो देख करके उसकी उसका सारांश उपन्यास का सुन लिया आपने, मुख्य बिंदु, मुख्य पात्रों के नाम, ठीक है, और मुख्य घटनाएं, मुख्य घटनाएं तो उसमें सारांश में बताई जाएंगी, उन्हीं को जैसे आपको मान लो पढ़ा, प्रश्न आया होरी का चरित्र चित्रण कीजिए, तो होरी के चरित्र चित्रण करते समय आप देखेंगे कि वो है कहानी में क्या आता है कि वो चमचागिरी करता है जाकर के, किसकी, राय साहब की, तो वो जैसा बोलते हैं सब ठीक है, जब पंच दे देते हैं हुक्का पानी बंद कर देते हैं या जुर्माना लगाते हैं तब भी वो सर झुकाकर मान लेता है, और दोनों पति पत्नी में इसी बात को लेकर हमेशा झगड़े होते थे। वह उस झगड़े का कारण क्या था, ये मुंह खोलकर विरोध क्यों नहीं करता है,
भाई तो क्यों देगा, उन्होंने जुर्माना लगा दिया तो क्या कर लेंगे वो, क्या जरूरत है फाके करके देने की, और राय साहब के यहाँ जाने की क्या जरूरत है, जाते हो फिर नजराना भी लेकर जाते हो। अरे ऐसे ही गरीबी घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं और तुम जाके उसको नजराना देते दे 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 के आते आते रहते हो। तो अब यहां पर होरी का चरित्र क्या उजागर उजागर होता है? चरित्र हम लोग जैसे हम लोग आपस में दोस्तों के साथ या परिवार के जो रिश्तेदार हैं उनके बारे में हमारे मन में कुछ राय होती है कि नहीं होती है? भाई वो, अरे वो शंकर, अरे वो तो बदमाश है यार, उससे कौन ये करेगा, नहीं, उसको नहीं बताना है। तो शंकर बदमाश है, यह जो राय आपने दी क्यों दी, कौन बोलेगा बताओ? क्योंकि सर उसके आपका रिश्तेदार चरित्र में भी शंकर, खराब हो सकती है, इस वजह से भी बता सकते हैं। जी क्या चरित्र में खराबी का कहीं लिखा हुआ है? नहीं सर, क्योंकि वो बदमाश है, मतलब बातें इधर उधर करता हो। उसके व्यवहार में, जी सर, उसका व्यवहार ठीक नहीं है, सभी के साथ वो लड़ता है या झूठ बोलता है। अब मान लो किसी किसी बच्ची के बारे में, अरे वो तो झूठ का पुलंदा है, उसकी बातों को क्यों सुनते हो, उस पर क्यों भरोसा करते हो, वो झूठ बोलती है। तो एक किसी किसी के बारे में हमारी राय बन जाती है कि यह व्यक्ति ऐसा है। तो उसी प्रकार आप जो उपन्यास या कहानी या नाटक पढ़ते हैं उसमें घटनाएं वर्णित होती हैं, जो घटनाएं वर्णित होती हैं उन घटनाओं में जो पात्र जुड़े हुए हैं, उन घटनाओं से अलग-अलग पात्र अलग-अलग प्रकार की बातें बोलते हैं, अलग-अलग प्रकार की क्रियाएं करते हैं। तो आपको कहानी अगर पता चल गई तो आप उसमें से अंदाजा लगा लेंगे कि कौन कैसा आदमी है, अंदाजा लगा लिया। अब क्या करना है, आपको लिखना है कागज पर कि उसका चरित्र चित्रण करो। मतलब क्या, आपने उपन्यास पढ़ा, पढ़ने के बाद जैसे शंकर बदमाश है या रानी, अरे रानी यहाँ है नाराज हो जाएगी, और दूसरा नाम बता दो कुछ छोटा जो यहाँ नहीं होगा। मान लो सुमित्रा, सुमित्रा कोई नहीं है ना आप लोगों में, मान लो सुमित्रा झूठ झूठ का पुलंदा है। हाँ तो सुमित्रा झूठ का पुलंदा है, आपने कैसे राय बना ली उसके व्यवहार से? तो उसी तरह से होरी के बारे में क्या आता है, वो है नीतियों को, सामाजिक नीतियों को, मतलब वेदों का गा वेदों की लकीर समझता है, जिसको मानना बहुत जरूरी है ऐसा वो समझता है। सामाजिक मान्यताओं को छोड़ देना या तोड़ना या जो परंपरा चल रही है उसको न मानना वो पाप समझता है। जो बड़े लोग समाज में जो आर्थिक और पदवी पदासीन लोग हैं वे जो बोल देते हैं उसको वो है बिल्कुल पालनीय अनुपालनीय मानता है कि उस इस बात के उन्होंने जो कहा उसी के हिसाब से हमें चलना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो दब्बू इंसान हुआ, वो हर दूसरे से दब जाता है, यहां तक कि अपनी पत्नी से भी, जब उसकी पत्नी उससे लड़ती है तो ऐसा क्यों करता है, ये करता है वो करता है, तो नालायक है। हाँ तब वह है चुप हो जाता है, लड़ता नहीं है चुप हो जाता है, उसकी पत्नी बोल बोल कर थक जाती है, 2-4 दिन बातचीत बंद हो जाती है,
हैं, फिर आपस में मिलते हैं, फिर एक साथ रहते हैं। तो ये चीज जो है होरी के बारे में ये पता चलता है, और धनिया के बारे में ये पता चलता है कि बहुत हिम्मत वाली है, उसका लगाओ नीति नियमों से नहीं अपने परिवार से उसको मतलब है। मुझे परिवार पर चलाना है, उसके लिए जो भी आवश्यक है मैं करूंगी। सिलिया को आश्रय देने के पीछे उसके मन में क्या है? उस समय गोबर नहीं है, गोबर अपनी पत्नी को लेकर के शहर चला गया है, दुनिया को खेत भी जाना है, घर में चूल्हा चौकी भी करनी है, सारा काम एक महिला से संभलेगा नहीं, होरी तो चूल्हा चौकी करेगा नहीं। तो एक लड़की घर में आवश्यक है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो स्वार्थ है उसके मन में है, परिवार को चलाना है, लेकिन साथ ही नीति आदर्श की ललक धनिया के मन में है। और होरी दब्बू इंसान होते हुए भी आदर्श के प्रति उसके मन में आकर्षण है, जिसके कारण वह सिलिया को रखने के समय विरोध नहीं करता। झुनिया जब आ जाती है गर्भवती होकर के, गोबर ने उसको गर्भवती कर दिया है, 5 महीने पेट से होकर के वो लड़की आती है घर पर, झुनिया की कौन है, किसकी बेटी है? भोला, भोला आहिर, जिससे गाय लाया था ये। तो उसको पहले खरी खोटी सुनाते हैं, तू कैसी कैसी लड़की है, शादी नहीं हुई, ऐसा ऐसा कर्म कर दिया, कलमुही अगड़म बगड़म जो मन में आया होगा बका होगा। फिर क्रोध शांत हो जाता है, अरे ऐसी ऐसी हालत में कहाँ जाएगी बेचारी, उसके बाप ने तो घर से निकाल दिया, कहाँ जाएगी, हमारी तो बहू है, हमारे बेटे ने ही तो कुकर्म किया है, चलो हमारे पास ही रहेगी। तो ये जो होरी और धनिया के चरित्र में जो फर्क है वह किस मामले में है? दूसरों की चापलूसी के मामले में। होरी चापलूसी करता है, धनिया सीधे रोक ठोक मुंह पर बोलती है। यहां तक कि पुलिस का दरोगा जब ये गाय को जहर खिला दिया तो पंच इकट्ठे हो गए, पुलिस के दारोगा को बुला लिया, और वो जमींदार का कारिंदा भी पहुंच गया, तो भाई जुर्माना देना है। तो खेत में ये लोग बैठे थे, तो उस समय ऐसी दहाड़ लगाई, किसने किसने दहाड़ लगाई, अरे आप लोग नहीं समझ रहे हो क्या, नहीं समझ पाए? धनिया ने सर समझ रहा, तो बोलना चाहिए ना, मैं पूछता हूं तो। मुझे लगता है कि मैं मेरी बात समझ नहीं आ रही है, या मैं बोलते समय कुछ हट गया क्या प्रसंग से। तो पति पत्नी खेत पर थे, तो वो तो बेचारा बेहोश हो गया, कौन, होरी, और इसने दहाड़ लगाई और उनकी सारी सबकी पोल खोल दी इसने। कैसे महिलाओं के घर पर रात के अंधेरे में जाते हो पिछले दरवाजे से, कैसे क्या करते हो, हाँ? तो बेचारे सब शर्मिंदा शर्म के मारे बगले झांकने लगे, कोई भाग गया कोई ये हुआ, हाँ? फिर उन्होंने धनिया ने कोई जुर्माना नहीं दिया, दारोगा ने वो जो पंच लोग आए थे उन्हीं से वसूल किया अपना जो हिस्सा, दारोगा का जो हिस्सा तय हुआ था, उसने कहा कि तुम ही लोग दोगे मेरा हिस्सा, तुम लोग क्यों हमें यहाँ पकड़ के लाए थे। इस तरह से ये कहानी थोड़ी सी आपको मतलब पढ़ लेनी है ठीक से, लगभग 1 घंटे का अगर कोई वीडियो मिलेगा, दो दो तीन वीडियो देख लीजिए, उसमें ये प्रसंग सारे आ जाते हैं, ठीक है, जरूर आएंगे।
तो ये हो गया प्रेमचंद की रचनाओं के बारे में, और कोई बिंदु याद आएगा तो फिर बताऊंगा, ठीक है? तो दलित जातिवाद का जो जहर है उसको खंडन करने की, उसको तोड़ने की प्रबल लालसा प्रेमचंद में पाई जाती है। नहीं तो धनिया क्यों सिलिया को अपने यहां शरण देती, माता दीन क्यों उसको रखेल करके रखता, फिर माता दीन भी, माता दीन में भी परिवर्तन आता है। देखो ये जो सुधारवादी चेतना प्रेमचंद में कितनी है, माता दीन हो रहा पंडित, उसके बाप ने कहा उसको त्यागो, तो सिलिया को बच्चा हो जाता है, वो तो उसके साथ थी ना, तो वहां से मतलब जब भगा दिया गया तो वो पेट से थी, उसको बच्चा हुआ, बच्चा हुआ, बच्चे को बच्चा बीमार पड़ गया, और वो एक घास फूस की झोपड़ी बना करके इसके घर के पास, होरी के घर के पास अलग से एक झोपड़ी बनाकर रहने लग गई। तो जब बच्चा बीमारी से चल बसा तब माता दिन की अंतरात्मा ने उसको लताड़ा, और वह दौड़ा दौड़ा आया और बच्चे को अपनी गोद में लेकर उसने नदी में विसर्जन किया और फिर सिलिया को अपने साथ ले गया। तो ये प्रेमचंद क्या है कि आदर्शवाद का पक्ष लेते हुए, नीति का पक्ष लेते हुए वे चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं कि ऐसा होना चाहिए। ठीक है उसने उसका त्याग कर दिया जो कुछ भी हुआ, लेकिन अंततः उसको समझना ही पड़ेगा, समझना चाहिए कि मेरी गलती है। फिर प्रेमचंद की रचनाओं में एक और बात आती है, आप लिखिए उसमें, पर किया प्रेम, पर किया प्रीति, पर किया मतलब दूसरे की पत्नी, दूसरे का पति, महिला के क्षेत्र में दूसरे का पति, पुरुष के क्षेत्र में दूसरे की पत्नी। आप यहां गोदान में देखिए, चाहे इसमें देख लीजिए सेवा सदन में, चाहे कर्म भूमि में, जो एक पुरुष और स्त्री में एक स्वाभाविक सहजात आकर्षण होता है, उस आकर्षण को दबाकर रखना शास्त्रों में कहा गया है। लेकिन उसको दबाना संभव नहीं है, दबाकर कितना रखोगे, कहीं ना कहीं थोड़ा सा निकल जाता है। तो उसी के कारण अड़ोस पड़ोस में या रिश्तेदारी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता रहता है, जिसको अक्सर हम लोग क्या करते हैं, उस बात को छुपा लेते हैं, किसी को बताते नहीं है, उसमें अपनी बदनामी होगी या उस रिश्तेदार की बदनामी होगी, या महिला है तो उसकी सामाजिक स्थिति बहुत खराब हो जाएगी, पुरुष तो फिर भी जी लेगा, महिला के साथ एक और वो सचित्व का वो तमगा जुड़ा हुआ है। ये सामाजिक कुसंस्कार जो बने हुए हैं सदियों से, चैस्टिटी पवित्रता, पवित्रता तो एक पत्नी व्रतता, ठीक है एक पत्नी व्रत, तो ये जो चीजें हैं इनके कारण समाज में बहुत कुछ होता है। उस जो कुछ भी होता है उसको प्रेमचंद अपनी रचनाओं में उभारते हैं। इसमें क्या होता है, गोदान में, गोदान में देखो, सिलिया विधवा है, दलित जाति की विधवा है, रखेल बनी माता दिन की, उसका थोड़ा सा चरित्र ढीला है, वो किसी भी मर्द के साथ थोड़ा सा हंसी ठिठोली कर लेती है,
हंसी झिटोली क्या सब कुछ कर लेती है, उसका कारण भी है, एक स्वाभाविक कारण है। जो महिला विधवा हो गई, बाल विधवा, वो उन दिनों तो बचपन में ही शादी 10-12 साल में शादी हो जाती थी। होरी ने अपनी 12 साल की लड़की सोना का विवाह कर दिया, 8 साल की बच्ची रूपा उसकी शादी कर दी एक अधेड़ से अभाव के कारण। तो आर्थिक समस्याएं, वो भले ही वो बच्ची बाद में बहुत खुश रही अपने ससुराल में, लेकिन फिर भी उसका पति चूंकि अधेड़ है, वो 15-20 साल में ही चला जाएगा, 20-25 वर्ष में चला जाएगा, तो ये बच्ची फिर विधवा पर होकर रहेगी। तो चुनाव ऐसा करना चाहिए जैसे कि वो कम से कम लंबी उम्र तक साथ रह सके। तो ये सब चीजें जो है, ये सिलिया जब विधवा हो गई तो उसके मन में जो स्वाभाविक एक आकर्षण होगा, एक यौन क्रिया के लिए जो अवदमित एक होगा, क्या एक भूख होगी, उसको वो क्या करेगी। मुनि ऋषि लोग गड़बड़ कर देते हैं, शास्त्रों में पुराणों में बहुत उदाहरण है। तो अगर लड़की ने कर दिया तो क्या गलत कर दिया। अच्छा, फिर जब हाँ वो सिलिया आकर के रहने लग गई होरी के घर में, तो उस समय क्या हुआ, किसी काम से वो माता दिन आया था और उसने 2 रुपए दे दिए धनिया के हाथ में कि इसको दे देना, सिलिया को दे देना। उसने छोड़ दिया बाप के कहने पर, उसके मन में वो कुछ मजे ले रहा था, रखेल के रूप में रखा था, उसकी अपनी पत्नी थी, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं यह भावना भी थी कि मैंने गलत किया है, तो 2 रुपए दे के चला गया। तब ये 2 रुपए पा करके सिलिया इतनी खुश हो गई कि वह तुरंत दौड़ पड़ी किसके पास, वो जो बड़ी लड़की होरी की बड़ी लड़की सोना की शादी हुई है मथुरा प्रसाद, पास के गांव का है। तो मथुरा के यहाँ चली गई, मतलब बताने के लिए, अपनी खुशी को बांटने के लिए चली गई। मथुरा से उसका पुराना परिचय था, परिचय कैसा रहा होगा, ठीक है। तो वह गया, वो सिलिया गई तो वहां पर सोना अंदर है, ये जब पहुंची तो अंधेरा हो चुका है। तो वहां मथुरा ने इसका हाथ पकड़ लिया, तो इसने हाथ झटक दिया, क्या कर रहा है। तो आवाज जो आई अंदर से, सोना को पता चल गया, तो सोना दौड़ पड़ी और उसने बहुत खरी खोटी सुनाई, किसको, सिलिया को। अब सिलिया ने मन में पश्चाताप किया कि मैं क्यों आई, मुझे क्या जरूरत थी आने की। उसने कह दिया कि आइंदा कभी मेरे घर पर मत आना, कौन लड़की है जो अपने पति को दूसरे की बाहों में देखना चाहेगी। तो ये ऐसी सारी चीजें जो है, ये मालती मेहता का प्रसंग देख लो, शहर में जो मालती है, डॉक्टर मालती, उसका प्रेम चल रहा था किसके साथ, मिर्जा, जो चीनी मिल का मालिक, मिर्जा के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। फिर जब ये मेहता से उसका परिचय होता है राय साहब के यहाँ, तो मेहता फिलोसोफर है, कॉलेज में पढ़ाता है, बढ़िया भाषण झाड़ना आता है उसको, तो उसकी बातों से प्रभावित हो गई है, तो धीरे धीरे इनका मतलब उसकी ओर आकर्षित, दोनों तरफ, उधर मिर्जा इधर मेहता, दोनों तरफ इसका संपर्क चल रहा था। फिर धीरे धीरे इसने मिर्जा को छोड़ दिया, और जब मेहता आकर्षित हो गया इसके, वो एक तरफा था आकर्षण पहले, फिर जब मेहता को
इसका स्वभाव अच्छा लगा, इसकी ये समाज सेवी, लोगों की सेवा करने करने वाली महिला थी। व्यक्तिगत ख्यालात, व्यक्तिगत चरित्र और कर्म, उन दोनों में कोई जरूरी नहीं है कि एक जैसे हों। और दूसरी बात है, आप इसको लिखेंगे, जब लिखेंगे तो मेहता मालती का प्रसंग लिखेंगे तो ये बात लिखेंगे, यौन संबंध जो है, यौन भावना, यौन पिपासा, मनुष्य तो क्या, प्राणी मात्र की सहजात प्रवृत्ति है। प्राणी पैदा होते ही ईश्वर ने उसके अंदर यह आकर्षण भरा है कि वह किसी अपने दूसरे लिंग के की प्राणी के साथ वो संसर्ग करे और उसके बच्चे पैदा हों और ये जो सृष्टि है यह अपने आप चलती रहे। ईश्वर ने एक बार सृष्टि कर दी और उसमें ऐसे ऐसे उपकरण लगा दिए कि सृष्टि और दोबारा करने की जरूरत नहीं है। वो क्षीर सागर में विष्णु भगवान जी एक बार हाँ आराम फरमाने लग गए। चलो जो भी है, तो चाहे खुदा ने बनाया हो चाहे वो एक ही है सब कुछ, हम लोग उसको साकार रूप में विष्णु ब्रह्मा इत्यादि बोलते हैं। तो ये जो चीज है इसको आप लिखेंगे कि यौन पिपासा एक सहजात प्रवृत्ति है, और यदि मालती यौनाचार के मामले में मुक्त स्वभाव की है तो वह ईश्वरीय जो प्रेरणा है, ईश्वर की जो योजना है सृष्टि को चलाने की, उसने कोई उसको गलत करार देना, चाहे भले ही समाज उसको गलत कहे, लेकिन ईश्वर की दृष्टि से वह पाप नहीं कर रही थी। और ईश्वर की दृष्टि में दूसरों की सेवा करना, प्राणी मात्र की सेवा करना, यह ईश्वर की दृष्टि में सही है। तो एक तरह से देखें तो मालती सामाजिक दृष्टिकोण से, चाहे यौन व्यापार में मुक्त हो, लेकिन ईश्वर की दृष्टि से वह एक संपूर्ण आदर्शवादी नारी थी। अब उसको उसका पहनावा, हाँ वो साड़ी नहीं पहनती थी, वो अपने अपने जो हम लोग पहनते हैं आजकल, हाँ क्या बोलते हैं उसको, सलवार कुर्ती इत्यादि या पैंट शर्ट वगैरह इस तरह से पहनती थी। वो डॉक्टर नहीं है, लंदन में जाकर रख रही है, वहां के समाज का उसको उस पर प्रभाव है। तो पहनावा ईश्वर ने तो नंगा करके छोड़ा है धरती पर, अब पहनावा आप कुछ भी पहनिए, कोई जरूरी नहीं है कि वह पहनावा कोई दूसरा पहनता है जैसा हम वैसा ही पहने। तो ये सब मैंने आपको बताया, मतलब समाज का संपूर्ण चित्र प्रेमचंद की रचनाओं में पाया जाता है, बिना लाग लपेट के, बिना लाग लपेट के प्रेमचंद समाज का जो चित्र हू बहू आंकते हैं। और साथ ही उनके मन में यह उपसंहार मैं बता रहा हूं, और उनके मन में आदर्श का मोह बहुत प्रबल है, वे उनके विचार से हर वह व्यक्ति को उस हर उस व्यक्ति को पश्चाताप करना चाहिए और अपना गलत मार्ग छोड़कर सही रास्ते सही मार्ग पर आने का प्रयास करना चाहिए, जिसका वर्णन उनकी कहानियों में ताना बाना, कहानी के ताना बाना में यह चीज देखने को मिलती है। कौमी एकता के बारे में उनके मन में प्रबल वो होता है, सेवा भावना, हाँ मालती सेवा करती है। आप देखो ये जो धनिया
धनिया खूब सेवा करती है, सिलिया की, सिलिया का बच्चा बीमार हो जाता है तो वो काफी सेवा करती है। जुनिया उसका पति जो गोबर, वह शहर में चीनी मिल में काम करता है कि मिर्जा के चीनी मिल में, तो वहाँ पर हड़ताल होता है, हड़ताल में मारपीट होती है, तो उसमें बुरी तरह घायल होकर के आता है कौन, गोबर। तो उस समय दोनों पति पत्नी में झगड़ा चल रहा था, लेकिन जुनिया पूरी तरह उसकी तीमारदारी करके उसको ठीक करती है। फिर मेहता से उसका परिचय होता है, किसका, गोबर का, नहीं मेहता या मालती ही, मुझे याद नहीं है, उन दोनों में से किसी से उसका परिचय होता है, क्योंकि फैक्ट्री में तो हड़ताल में ये शामिल था, तो इसको नौकरी से निकाल दिया गया, मिर्जा ने निकाल दिया नौकरी से, तो बेकार था, तो उसने उसको माली की नौकरी दे दी। फिर जाकर के माली का, पहले मिर्जा के यहाँ माली था, जब रूठ कर गया था यहाँ से, गाँव से दुनिया को घर में छोड़ करके भाग गया था, जब तो जाते ही पहले मालिक, ये जो मालिक का काम किया था कहाँ, खन्ना के यहाँ। फिर धीरे धीरे उसने क्या किया, कुछ पैसे इकट्ठा करके खोमचा लगाने लगा। खोमचा समझते हैं, खोमचा? नहीं सर, बता दीजिए। जी सर। कौन जानता बताओ, आवाज कम करो। रेडी, रेडी जानते हैं, रेडी 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 जानते हैं? नहीं सर। अच्छा, खोमचा का मतलब है जो सड़क पर कुछ सामान लेके बैठ जाते हैं, ठीक है, चाहे नीचे चाहे कोई एक स्टैंड जैसा कुछ बना के एक टोकरी में, या एक डलिया जो लकड़ी का, हाँ, पान का खोमचा स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर आप लोगों ने देखा होगा, हाँ, या जो सबसे बढ़िया है, मैं बता उदाहरण बताता हूँ खोमचे का, ये जो भेलपुरी बेचने वाले, मुड़ी मसाला, हाँ, चना, चना चूर गरम, हाँ, समझ गए अब? जी सर। साइकिल पर एक डलिया लकड़ी का बांध देते हैं, उसमें कुछ बोतलों में, जार में, हाँ, थोड़ा सा मिक्सचर, थोड़ा सा मुड़ी, थोड़ा सा नारियल तेल का, थोड़ा सा ये प्याज, थोड़ा सा काट के, हाँ, वो सब रखते हैं और बना बना के सब थोड़ा थोड़ा मिला के देते हैं, तो सब खोमचा। झाल मुड़ी सर। हाँ, झाल मुड़ी, ठीक है, तो झाल मुड़ी उसको उधर कहते हैं भेलपुरी, उत्तर भारत में वैसी चीज को भेलपुरी बोलते हैं। तो वो गीत है ना, मैं तो रास्ते में जा रहा था भेलपुरी खा रहा था, हाँ, शाहरुख खान गाता है। जी सर, याद है? हाँ? तो उसको बोलते हैं खोमचा। और रेडी किसको बोलते हैं? रेडी का मतलब है जो जमीन पर बैठ जाते हैं, ठीक है ना, एक कोई प्लास्टिक या कुछ भी दरी वगैरह बिछा दिया, उसमें कुछ अगड़म बगड़म, दर्पण, वो कंघी, वो कैंची, वो फेरी वाले, हाँ जी सर, जो मेले में बेचते हैं, हाँ, जो ये सब चीजें जो बेचते हैं उसको बोलते हैं रेडी। वो ठेला गाड़ी भी हो सकता है, ठेला गाड़ी में अगर वो बेच रहे हैं वो भी रेडी है, ठीक है। खोमचा छोटा है, रेडी बड़ा है, ठीक है। तो वो अब इसका चरित्र मैं बता रहा हूँ, गोबर का। तो वो वहाँ खोमचा लगाने लगा एक जगह, वो मिर्जा के घर के सामने, तो वहाँ काफी कमाई हुई, वहाँ से कुछ पैसे जमा करके गांव आया। तो जो जुनिया से तो उसको बहुत प्रेम है, उसको बच्चा भी हो गया है, ठीक है।
तो बच्चे को देखने की ललक है, उसको तो घर के रास्ते में ही छोड़ के गया था वो, उसके बाद मुलाकात नहीं हुई, कई साल हो गए। पैसे जमा करके वो आता है तो उसके बाद में वो गांव में देखता है बड़ा बुरा हाल है, माता पिता पर जुर्माना लदा हुआ है और कर्ज से डूबा हुआ है बाप उसका। तो वह जाके सबसे सलटता है, और चूंकि शहर से आया है, शहर में उसकी दृष्टि बदल गई है। शुरू से ही वो थोड़ा सा था, मतलब माँ की तरह, उसकी माँ जैसे। उसकी माँ का नाम क्या है? धनिया जी। हाँ, धनिया ये सब्जी में डालने वाला नहीं, उसका नाम है धनिया। तो प्रेमचंद नाम भी कैसा सुनते हैं, धनिया, चूहिया, एक चूहिया है, मैं भी बताऊंगा। ठीक है ना, जुनिया। तो ये जो देहाती नाम है सब, ठीक है ना, बिल्कुल ठेठ देहाती नाम है ये। तो वो गांव में आता है, फिर सेठ के पास जाता है, वो बोलता है इतना हो गया, तो बोलता है इतना हम नहीं देंगे, सरकारी नियम जो है कितना कितना पैसा ब्याज होना चाहिए उसी दर से हम ब्याज देंगे, तुम अपने मनमर्जी ब्याज डालोगे तो नहीं होगा। तो वो बाप भी साथ में गया है, तो वो कौन, दाता दीन पंडित, ठीक है। तो दाता दीन कहता है, अरे वो जानता है होरी होरी मान जाएगा, अरे तेरा बेटा क्या बोल रहा है देखा, अरे पंडित का पैसा मार के तुम हजम कर सकोगे, चलो मैं छोड़ दिया, मूल छोड़ दिया, ब्याज छोड़ दिया, जा। बाद में कुछ तुझे होता है तो ना बोलना पंडित जी ऐसा हो गया। तो इस तरह से जो मतलब क्या कहते हैं उसको, अंधविश्वास से जकड़ा हुआ जो व्यक्ति होता है उसको ऐसे भी डराया जाता है, तब वो एकदम पांव पकड़ के, नहीं पंडित जी आप क्रोध मत करो, वो नहीं देता तो हम देंगे, आप चिंता मत करो करके वो फिर आता है। आने से फिर घर पर झगड़ा होता है बाप बेटे में, फिर बेटा क्या करता है, झुनिया को लेकर के चला जाता है, बोलता है कि तुम्हारा सारा ऋण चुकाते रहने का हमने ठेका ले रखा है क्या। तो ये गोबर जो है पूरे गांव में रौब झाड़ता है, और एक होली का कार्यक्रम भी रखता है अपने घर में, होली का हुड़दंग करते हैं ना, देखा है कि नहीं, होली का हुड़दंग को किसने किसने नहीं देखा, सभी ने देखा है सर। हाँ, होली में क्या होता है, देखे है सर। हाँ, यहाँ थोड़ा उड़ीसा में कम होता है, उत्तर भारत में बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं लोग, मिठाई, जो संपन्न लोग हैं वो मिठाइयाँ, बहुत सारी मिठाइयाँ बनाकर रखेंगे, और जो उनके मेहनत मजदूरी करने वाले या अड़ोस पड़ोस के जो भी लोग हैं वो क्या करेंगे, डफली बजा के और ग्रुप बनाकर वो शराब वराब पी करके मस्ती से ये करते हुए आएंगे, और जिसके घर यहाँ जाएंगे वो उनके साथ होली खेलेंगे और वो सबको मिठाई खिलाएगा। और दारू का चलन भी आजकल बहुत हो गया है, इसलिए हम लोग घर से निकलते भी नहीं हैं। तो होली का हुड़दंग उसने घर पर आयोजन किया और बड़ा सफल रहा, जिसके कारण मतलब वो उच्च वर्ग में जैसा होता है वैसा करने लग गया ना। तो जब गांव के मुखिया उखिया चौधरी वगैरह थे वो, उनके मन में बड़ा कष्ट हुआ कि ये तो बड़ा अपना दिखा रहा है, रौब दिखा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये सब कहानी का ताना बना है। तो गोबर का चरित्र आप इसमें से चित्रण कर सकेंगे कहानी से, सिलिया का चित्रण कर सकेंगे, सिलिया के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी आएगी। हाँ, कितना, 10 नंबर का, ठीक है। ये जो ये कौन सा MSD 3 है ना, MSD 3 जो पेपर है 100 अंकों का पेपर है, तो एक प्रश्न में
20 नंबर होंगे या 16 नंबर होंगे, ठीक है। व्याख्या आता है तो व्याख्या में 12 नंबर करके, 12 अंक करके 3 प्रश्नों के उत्तर आपको करने हैं, 6 प्रश्न आते हैं, ठीक, उसमें से कोई भी 3 करना है। तो बाकी जो अगर 12 प्रश्न के 3 प्रश्न आ गए, 12 + 36 बाकी 64 नंबर, 16 × 64 हाँ, 4 प्रश्न आपको करने लॉन्ग क्वेश्चन। तो मैंने आपको बताया था 5 अंकों के लिए 250 शब्द लिखने हैं, 10 अंकों के लिए 500, 15 अंकों के लिए 750, तो 15 से ऊपर हो गया, तो आपको 700 से 1000 शब्दों के अंदर लिखना है, या और 20 पन्ने भरेंगे तो कोई मना नहीं करेगा। आजकल पुस्तिका एक ही मिलती है, उसमें एक्स्ट्रा पेपर नहीं मिलता है, आप अगर जोड़ना चाहेंगे, बहुत लंबा लिख लिया, एक तो आप लोगों को लिखने की आदत नहीं है आजकल, सब वीडियो देखते हैं, अधिक लिख भी नहीं सकेंगे, और दूसरा अगर लिखेंगे तो आपको कागज़ नहीं मिलेगा, समय की कमी हो जाएगी, आपको सारे प्रश्नों के उत्तर करेंगे तभी तो आपको अच्छे अंक आएंगे। तो ये मैंने आपको बताया चरित्र चित्रण में कौन कौन आएगा, चरित्र चित्रण अगर आएगा वो बड़ा प्रश्न आएगा 16 अंकों का, होरी धनिया, ठीक है, धनिया और होरी संक्षिप्त टिप्पणी भी आ सकता है और बड़ा प्रश्न भी आ सकता है, जो चरित्र चित्रण होता है ना। लेकिन जो छोटे छोटे पात्र हैं, सिलिया, झुनिया, चूहिया, अरे चूहिया का मैं भूल गया बताना, वहां शहर में जब ये गोबर लेके चला गया अपनी पत्नी को, बेटा का नाम मंगल और उसका नाम क्या है, पत्नी झुनिया, ये लोग शहर में रहने लग गए, तो वो बच्चा बीमार पड़ा। सर मंगल किसका नाम है? मंगल इसका ना झुनिया का बेटा है सर, गोबर का बेटा। हाँ मैंने कल बताया था ना बेटी, तो उसी का बेटा है, ठीक है, देख चेक कर लेना, तो ठीक है मैं देख लेता हूँ, पूछ ही लिया है तो गोबर का पुत्र मंगल, ठीक है, तो हाँ, तो 5 माह की गर्भवती थी तो गई थी घर में, ठीक है, मैं ये इसको थोड़ा सा नोट कर रखा था, तो आपकी समझ में आया। हाँ वहां पर क्या हुआ, बच्चा जब बीमार पड़ा तो उसको चेचक हो गया था, तो उसने झुनिया ने काफी सेवा की, और उसकी पड़ोसन एक थी, झुनिया की पड़ोसन चूहिया, जो गोबर जहां रहता था लखनऊ में, उसके पड़ोस में वो झुनिया रहती थी, ये झुनिया क्या कहते चूहिया, तो झुनिया और चूहिया में आपस में जैसे महिलाएं बैठ कर बातचीत करती हैं, बतियाती हैं आपस में, तो प्रेम हो जाता है ना, तो एक दूसरे के मतलब सहारा देते हैं एक दूसरे को, तो उसी तरह से झुनिया ने काफी, चूहिया ने काफी सेवा की थी उसके बच्चे की, ठीक है। चूहिया का जिक्र बहुत कम है, तो कुछ कभी कभी आ सकता है, थोड़ा सा इधर उधर बना के लिखना है, और क्या, और कुछ पूछना है गोदान से बताओ, गोदान से कुछ पूछना है क्या? जी सर हमें पूछना है। हाँ बताओ। जैसे एग्जाम में जैसे आप 200-250 पेज बोले लिखने, तो उतना लंबा चौड़ा कैसे लिख पाएंगे होरिया धनिया और सिलिया के बारे में? अरे मैं तो हजारों शब्द बोला हूँ, मैं क्या किताब से देखकर बोल रहा हूँ? अच्छा तो वैसे ही बना बना के लिखना है? हाँ मैं जैसे इधर उधर करके बता रहा हूँ, मैं क्या क्रमवार बता रहा हूँ क्या? नहीं, इधर से कुछ याद आ गया, उधर से कुछ याद आ गया, उधर से कुछ, जैसे आपने अध्ययन किया तो आप तो वो प्रेमचंद नहीं है ना? नहीं, आप मोना है,
यस सर। मोना ने जो पढ़ा प्रेमचंद की रचना या वो बरसा मोरे या जो भी वो आपने वीडियो देखे, ठीक है, उनका उन्होंने जो कहा था उसमें से आप वीडियो को रोक रोक करके आप नोट कर लीजिए, जो सारांश वो बता रहे हैं वीडियो को रोक रोक करके आप नोट्स का बना सकते हैं कि नहीं, संक्षेप में बिंदुवार लिखते जाइए, जो परीक्षा में जाएंगे उसी को पढ़ के जाएंगे, दो पृष्ठों का या तीन पृष्ठों का नोट होगा पूरे उपन्यास का, और अपना दिमाग लगा करके आपको उत्तर लिखना है। जैसे आपने वो सुमित्रा झूठ का पुलंदा है, हैं, या शंकर बदमाश है, आपने राय बनाई थी वैसे लिखेंगे। और थोड़ा सा आपको शुरू में प्रेमचंद के बारे में, जो लेखक या कवि है उसके बारे में थोड़ा सा लिखना है, उसकी कुछ रचनाओं के नाम लिखने हैं, ठीक है। और उत्तर के बीच में आप याद रखिए कुछ संस्कृत के श्लोक, ठीक है, या संस्कृत का श्लोक याद नहीं है तो कबीरदास, रहीम, तुलसी, इनकी रचनाओं में काफी नीति के दोहे मिल जाते हैं, मिलते हैं कि नहीं। तो वैसी चीजें जहां वैसा प्रसंग आता है, आपको अगर वो कोई दोहा याद आता है आप लिख दीजिए वहां पर, कोई संस्कृत का श्लोक याद आता है तो लिख दीजिए, भले ही गलत हो, आपको गलत सर याद आ रहा है, जोर जाड़ के लिख दीजिए, तो जांच करता देखेगा ना कि भाई हाँ इसको इसकी समझ है, लेकिन वो पद इसको याद नहीं था ठीक से, इसने ऐसा लिखा है, लेकिन प्रसंग तो सही है ना, जिस प्रसंग में आपने उस दोहे को लिखा, ठीक है। अभी हम लोग दूसरे उपन्यास की ओर चले, धरती खंड दो, ये खंड एक गया, आप कभी भी सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा, देखो बेटा मैं बहुत व्यस्त रहने वाला व्यक्ति हूँ, तो इसलिए मैं ग्रुप में आप लोगों के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाता हूँ, और ग्रुप में थोड़ा कम बातें किया करो, ठीक है, उससे क्या होता है। अरे विद्यार्थी कितने हैं आज कक्षा में, 55 और अधिक है? 47 45 तो अभी दिखा रहा है। आप एक काम करो, एक स्क्रीनशॉट, हाँ, एक स्क्रीनशॉट लेके भेजो मुझे, ठीक है, ग्रुप में डाल देना। तो सर मैंने भेज दिया। अच्छा शाबाश रानी सर। हाँ सर, मेरा एक डाउट था, आपने वो लास्ट क्लास में बोला था कि पटेश्वरी एक पुरुष है और ये सरकारी नौकर है। हाँ तो सर, पटेश्वरी जो है, हाँ बोलो, इसके बारे में मुझे थोड़ा सा यानी कि समझ में पूरी तरह नहीं आया, इसका और क्या काम था ये उपन्यास में, ये सरकारी नौकर है और एक पुरुष है बस। नहीं नहीं, वो जमींदार का कारिंदा था। जी जी, जैसे हम लोग बोलते हैं ना ये तहसीलदार वगैरह, हाँ ठीक है, जमीन का लगान वसूल करना इत्यादि इत्यादि, ठीक है। अच्छा, जमींदार का मुनीम जैसे होते हैं वैसे था, मुझे पूरा याद नहीं है, मैं सही स्पष्ट बता रहा हूँ आपको, ठीक है जी, 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 आप मैंने विश्लेषण कैसे करना है वो मैंने आपको बताया, ठीक है, लेकिन पटेश्वरी जो था वो पटेश्वरी बुर्जुआ वर्ग का चमचा था, ठीक है, तो पुरुष था लेकिन बुर्जुआ वर्ग का प्रतिनिधि था, वो जुल्म करता था किसानों पर या जो दलित जातियों पर, ठीक है, वो पंचों में शामिल था। तो ये तीन चार पॉइंट जितना मुझे याद है मैंने बताया, आप थोड़ा सा ऑथेंटिक रूप से उड़ती नजर से आपकी खंड एक जो है आपका पूरा खंड नहीं भी पढ़ेंगे ना, उपन्यास को नहीं पढ़ेंगे, खंड एक को नहीं पढ़ेंगे, तब भी आप अगर
एक दो वीडियो देख लेंगे और मैंने जैसे विश्लेषण का तरीका बताया तो उस तरह से आपकी बुद्धि अगर सही है, विश्लेषण करने की शक्ति है आपके अंदर, तो आप झंडा गाड़ के आओगे। ठीक है सर, मेरा एक प्रश्न था सर। बोलो शिखा। सर जैसे कि पूरे गोदान में हमसे पूछा जाए कि उत्तम नारी चरित्र का वर्णन करें, तो हम किसका एग्जांपल दे सकते हैं? ये तो बड़ी दुविधा वाला प्रश्न है। अच्छा एक शिखा ये प्रश्न दोबारा पूछ लेना, मुझे एक बात याद आ गई। गोदान जो शीर्षक है वह है, इस उपन्यास में गोदान क्यों दिया गया है कि गाय की ललक, जो होरी के मन में गाय पालने की इच्छा, वहां से उपन्यास शुरू होता है और वो रास्ते में जाते जाते वो इससे भोला से होता है, परिचय होता है, वो गाय ले आता है। गाय के इर्द गिर्द ही कहानी घूमती है। गाय को उसके भाई ने जहर दे दिया, फिर वो जो दारोगा वगैरह आते हैं ये करने के लिए, तो वो जो हीरा है वो डर जाता है, डर के वो भाग जाता है घर छोड़ के। एक मिनट बेटा। हाँ जी हाँ सुना, छटा पूर्व आसवनी मोर क्लास अच्छी पूरा मुझे, अरे मो क्लास अच्छी मो पिला को तो 100 जन पिला बस चंदी समान 6:15 पहुंच रही। हां रखो जी। हां माफ करना बेटा। तो हाँ फिर गाय, अब हीरा भाग जाता है। हीरा की पत्नी जो है उसका नाम है पुनिया, तो हीरा का खेत है और पुनिया तो घर में रह गई, पति भाग गया डर के मारे, तो उसको कौन पालेगा पुनिया को, पुनिया का खेत कौन जोतेगा? तो होरी अपना कर्तव्य समझ के, भाई हाँ भाई की बहू है तो वो अपने आप को पापी समझ रहा है कि मैं क्यों खामखा हीरा का नाम ले लिया, गाय को इसने जहर दी, मैंने मुझे बोलना नहीं चाहिए था, उसने बोल दिया धनिया को और धनिया ने बखेड़ा खड़ा कर दिया। ठीक है, तो इस एहसास के कारण उसने भी कसम खाई सबके सामने कि मेरे बेटे का, बेटे की कसम खाता हूँ, मुझे पता नहीं है ये किसने जहर दिया, जबकि उसी ने बताया धनिया को, लेकिन सबके सामने बेटे की झूठी कसम खा लेता है कि हीरा ने नहीं दिया है। उसको बचाने के लिए हीरा के घर की तलाशी के लिए बोल रहे हैं, तो बोलता नहीं नहीं ये उसने कुछ नहीं किया, आप हाँ उसको किसी ले दे करके ये करना चाहते हैं, फिर धनिया सबको भगा देती है। तो वही हीरा उपन्यास के अंत में फिर वापस आता है, आके भाई के चरणों में गिर पड़ता है, भैया मुझे माफ कर दो मेरी गलती हो गई, भाभी के चरणों में पड़ता है। ठीक है, तो मैं जो कहता हूँ कि एक पश्चाताप की भावना इसमें हर पात्र में, हर गलत पात्र में पश्चाताप की भावना आती है। तो होरी क्या करता है, अपने भाई के खेत को पहले जोतता है, अपने खेत को बाद में। तो इससे क्या होता है, पुनिया का जो फसल है बहुत अच्छी फसल हुई उसकी, उसके इसमें क्या कहते हैं उसको, जहां अनाज रखते हैं जिस घर को, ठीक है, वो वहां रखने के लिए, अनाज रखने के लिए जगह नहीं है, इतना अनाज हुआ, जबकि होरी के खेत में बहुत कम हुआ। उसके बारे में भी पति पत्नी में झगड़ा होता है कि तू अपना नहीं देखता है, दूसरों के लिए सबके मरता रहता है। लेकिन बाद में फिर धनिया के मन में भी दया आती है और वो फिर वो इसको पुनिया को बहुत उसकी देखभाल करने लगती है। तो ये हो गया पुनिया की बात। हाँ, और फिर गाय, हाँ फिर वो गोबर आता है, तो वो जाकर के अपने ससुर को, उसका ससुर कौन है, भोला जी सर, भोला उसकी पत्नी कौन है,
जूनिया जूनिया किसकी बेटी है? भोला 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 है। ये तो पात्रों के आपस में जो संपर्क है ना, इसको याद रखना बहुत मुश्किल है, ठीक है? बहुत कंफ्यूजिंग। जितना आप करेंगे, अभी मैंने क्यों पूछा, दो चार बार पूछूंगा तो आपका दिमाग का वो कसरत हो जाएगा, कसरत हो जाने से आपको याद हो जाएगा। तो भोला ये जो गोबर जाके अपने ससुर से माफी मांगता है, फिर ससुर को पटापटू के फिर गाय ले आता है, बैल गाय तो मर गई। भोला फिर बाद में आकर के गाय की कीमत मांगता है, वो तो बेचा था ना, इसने सिर्फ भूसा ही दिया था, उसको पैसे नहीं दिया था गाय के। गाय मर गई तो क्या हुआ, संपत्ति तो इसकी थी। तो उसने क्या कहते हैं ये गोबर जाकर, हाँ वो भोला आकर के जब पैसे मांगा, पैसे नहीं दे सका होरी, तो इसके दोनों बैल वो खोल कर ले गया कि पैसे देगा तो अपने बैल लेके आएगा। तो खेती किसानी में पहले जमाने में ऐसे ही होता था। तो अब बैल चले गए तो ये खेती किसानी कैसे करेगा, बहुत वो पड़ गया। फिर उसका अपना खेत फिर वो दाता दीन पंडित को दे दिया, क्या बोलते हैं उसको, बटाई बोलते हैं ना, मतलब आधा आधा, हाँ खेत मेरा है, बंटवारा जी सर, दूसरा काम करेगा तो फसल जो है आधा आधा। तो उसी तरह से खेत इसका है, किसका, होरी का, लेकिन उसमें धन नहीं है उसके पास में, तो वो पूरा धन लगाएगा ये अपने ही खेत में मजदूरी करेगा, जो ईख उत्पन्न होगा उस ईख को आधा आधा करेंगे। तो ये है, ठीक है। तो वो अपने बैल भी अपने ससुर से उसको बहला फुसला के वापस ले आया। ये मतलब गोबर के इसमें चरित्र में आएगा, ये कहानी का अंश थोड़ा थोड़ा आपको याद होना चाहिए। तो फिर गाय के बारे में बोल रहा था, गाय बैल आ गए। फिर अंत में उपन्यास का अंत कैसे होता है ना, एकदम निश्चय हो गया, उसके पास कुछ नहीं है, होरी के पास, होरी और धनिया के पास। और उसमें जब काम करते करते जी तोड़ मेहनत करता है, दिन में पत्थर तोड़ता है, रात को सूत काटता है, सूत काटने की बात आई है इसमें, किसमें, गोदान उपन्यास में सबसे ज्यादा आया है इसमें, रंगभूमि में, कर्म भूमि में। लेकिन जो गांधी जी का जो असहयोग आंदोलन, उसका थोड़ा थोड़ा चित्र इस उपन्यास में मिलता है। तो उसमें वो रात को सूत काटता है, दिन भर पत्थर तोड़ता है, तो शरीर कितना काम करेगा, भोजन ठीक से मिलता नहीं, तो काम करते करते वो बेहोश हो जाता है। तो वो धनिया उसको गोद में ले लेती है, तो उसको लगता है कि अरे ये तो और बचेगा नहीं, उसको मौत उसके चेहरे पर दिखाई देती है। तो फिर रिश्तेदार जो इकट्ठे हुए वो कहते हैं अरे भाई गोदान करो। तो गोदान का मतलब समझते हैं आप लोग? जी सर गाय का दान करना, गाय को दान करना। क्यों सर बोलते हैं गाय को दान करना पुण्य की बात है? तो आप दान करो, जीते जी दान करो, मरते समय क्यों दान करोगे सर? अंतिम नहीं, उस समय में एक प्रथा प्रचलित है, क्योंकि जो ब्राह्मण लोग होते हैं वो बोलते थे कि गाय जब किसी की भी मृत्यु हो जाती है तो गाय दान करने से वो स्वर्ग से जाएगा, तो इस वजह से वो गाय की गाय दान नहीं करने से जो पुण्यात्मा हो वो स्वर्ग नहीं जाएगा गाय दान करने से? नहीं ऐसा तो नहीं होती, तो तब भी शायद मान्यता यह है, अफवाह नहीं है, मान्यता यह है कि गोदान करने से जीवन भर में जब जब जो जो पाप किए हैं
वो सारे पाप कट जाते हैं, ऐसी मान्यता है, जिसके कारण मरते समय गोदान दिलाते हैं। कई बार ऐसा होता है, ये सच्ची बात है, कि कोई कोई बूढ़ा आदमी जो मतलब इन बातों में जो भरोसा विश्वास रखता है, जो विश्वास रखता है, बिलीवर्स, ठीक है, वो जो विश्वास रखता है उसकी उसका जीव नहीं छूटता है। बहुत बीमार है, बहुत कष्ट पा रहा है, लेकिन जीव नहीं छूटता है। उसके हाथ से गाय की रस्सी किसी दूसरे के हाथ में दिला दो, गाय बंधी हुई है रस्सी से, वो रस्सी वो उसके हाथ में दे देते हैं, वो दूसरे के हाथ में पकड़ा देता है, तो गोदान हो गया। उसके बाद उसका जीव छूट जाता है, उसके मन में एक आ जाता है कि भाई मैं मेरे पाप कट गए, ये मान्यता है। आपको लिखना है जीवन भर के पाप कट जाते हैं, तो पंडित दाता दीन वहाँ पहुँचता है और वो बोलता है गोदान करो गोदान करो, तो ये जो घरियाँ तो तुरंत दौड़ कर जाती है और 20 आने जो सूत काट कर उसने कमाए थे, वो सूत काटा हुआ 20 आना पैसा वो लेके आती है और पंडित दाता दीन के हाथ में दे देती है और बोलती है कि पंडित जी घर में ना गाय है ना बछिया, ना गाय है ना बछिया, आपको क्या देंगे, ये सूत काटने का ये पैसा 20 आना है, इसी को गोदान समझ लो, ठीक है। तो इसीलिए गोदान नाम दिया है इसका। लेकिन सारी कथा जो है, कथा के केंद्र में गाय बैल मतलब गोवंश इस उपन्यास के केंद्र में है, इसलिए इसका शीर्षक गोदान रखा गया है, ठीक है। हाँ, क्या पूछ रही थी ये कौन 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 पूछ रहा था, अभी कोई प्रश्न पूछी थी ना सर, उत्तम नारी चरित्र कौन है, हो सकती है। हाँ हाँ, शिखा, उत्तम नारी चरित्र, देखो यह बड़ा दुविधा बड़ा प्रश्न है। आपको दोनों चीजों को मैंने सारी बातें बताई हैं। उत्तम नारी चरित्र इसमें मतलब गोदान में, तो धनिया को उत्तम नारी चरित्र माना जाएगा। धनिया में और मालती में, ठीक है, ये दो चरित्र सशक्त चरित्र हैं। मालती आधुनिक ख्यालात की है और शारीरिक संपर्क के बारे में मुक्त भावना रखती है, लेकिन समाज सेवी है, जातिवाद नहीं मानती, हर तबके के मरीज को वह दिल लगाकर उसकी सेवा करती है। तो यह एक आदर्श नारी अवश्य है, लेकिन जब भारतीय आदर्शों की बात की जाए तो प्रेमचंद आधुनिकता और परंपरा के बीच में झूलते हुए नजर आते हैं इस उपन्यास में। वे मालती की निंदा नहीं करते, लेकिन प्रशंसा भी नहीं करते, कहीं कहीं प्रशंसा की है, कहीं कहीं निंदा भी की है, व्यंग्य किया है, ठीक है ना। प्रेमचंद के उपन्यासों में यह मिलता है कि अभी शिखा की वो प्रशंसा कर रहे हैं, 10-20 पृष्ठों के बाद शिखा की निंदा करते नजर आते हैं, जबकि लेखक का काम नहीं है, मतलब पात्रों के चरित्र के बारे में उद्घोषणा करना, इसको आप लिखिए, नोट कीजिए, पात्रों के चरित्र के बारे में कुछ भी घोषणा कर देना रचना में, यह आदर्श रचना कर्म का लक्षण नहीं है।
चरित्र का चित्रण पाठक स्वयं करेगा। किसी चरित्र के बारे में जो अवधारणा बनेगी वो पाठक के मन में सीधे आएगी, लेखक को कुछ उसके बारे में बोलने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से शंकर बदमाश है या सुमित्रा झूठी है, किसी ने लिखा नहीं था, किसी ने हमें बोला नहीं है, हम स्वयं अपने मन से बोल रहे हैं, हमारी धारणा बनी है उन लोगों के व्यवहार से। उसी तरह से उपन्यास या कहानी में जो चरित्र जो पात्र हैं उनका जो आपसी व्यवहार है, जो क्रियाकलाप है, उसके आधार पर पाठक के मन में उस पात्र के बारे में एक धारणा बनेगी, वही है उसका चरित्र। तो प्रेमचंद कई जगहों पर अपनी ही बात को पलटते हुए नजर आते हैं संपूर्ण उपन्यास में, खासकर मालती के बारे में। वो कई जगह उन्होंने व्यंग कसा है और कई जगह बहुत तारीफ की है, लेकिन धनिया के बारे में उन्होंने कहीं व्यंग्य नहीं किया है। प्रशंसा ही प्रशंसा की है, उसके साथ सहानुभूति दिखाई है। वो जब लड़ती है डांटती है तब भी प्रेमचंद की सहानुभूति उसके साथ है। तो जब आप आदर्श नारी पात्र के बारे में लिखेंगे तो जितने नारी पात्र हैं उनके बारे में थोड़ा 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 आप लिखेंगे। जैसे सिलिया चरित्र की ढुलमुल है उसके इसमें, यौन यौनाचार के बारे में, जैसे चूहिया के बारे में विस्तृत वर्णन है नहीं। झुनिया जो है वह विवाह से पहले ही संपर्क स्थापित कर लेती है गोबर से, तो उसको आदर्श नहीं कहा जाएगा भारतीय दृष्टिकोण से, ठीक है। तो ये जितने नारी चरित्र हैं उनमें एक धनिया ही है जिसने कहीं कुछ गलत काम नहीं किया, सामाजिक मान्यताओं के आधार पर जिसको गलत कहते हैं उसने नहीं किया, अपने परिवार का अच्छी तरह से उन्होंने तत्व लिया मतलब देखभाल की, और पति की देखभाल की लेकिन आदर्श के लिए वो लड़ाई भी करती है, और समाज जो कुछ बोल देता है अगर उसको आदर्श लगता है कि ये उचित है, अनुचित अनुचित की भावना जो प्रबल है किसमें, दुनिया में। और चूंकि प्रेमचंद आधुनिकता और पुरातनता के बीच झूलते हुए नजर आते हैं, लेकिन अंततः प्रेमचंद धनिया का साथ देते हुए नजर आते हैं, ठीक है। और आप लिखेंगे कि हमारे विचार से भी धनिया का पात्र ही आदर्श नारी पात्र है गोदान में। ये जो आप लिखेंगे इसको आपको लिखना है 4-5 पृष्ठ, तो 4-5 पृष्ठ कैसे बनाएंगे इसको? आपका ताना बाना आपके उत्तर का सबको छूते हुए जाएगा, जाकर के सबकी आपस में तुलना करते जाएंगे और अंत में आप निष्कर्ष लिखेंगे कि निस्संदेह धनिया ही सर्वाधिक सशक्त पात्र है। क्यों शिखा? ठीक लगा? सही बोले आप, भारतीय नारी के हिसाब से धनिया उत्तम लगती है। सर तो धनिया को इसमें तो कोई विदेशी नारी तो है नहीं, और वो जो मालती है वो एक विदेशी नहीं, वो देसी ही है लेकिन विदेशी संस्करण है,
देशी महिला विदेशी संस्करण में, तो विदेशी वो हुई है सिर्फ शारीरिक संपर्क के मामले में, पहनावे के मामले में, लेकिन उसका स्वभाव वही भारतीय आदर्शों के अनुरूप ही है, ठीक है ना? जी सर, जी सर, बहुत अच्छे समझाया आपने, थैंक यू। तो अभी थोड़ा सा धरती धर्म अपना देख लेते हैं। हाँ बेटा, कितना बजा है? तो 20 मिनट और हैं, वो बंद कर देते हैं। अभी हाँ। 5:40 हुआ है। अजीत भाई नमस्ते, नमस्ते बड़े भाई। नमस्कार। अभी और 20 मिनट है। कब से है यहाँ? अभी लगा दिया थोड़ा हो। मैं अच्छा। सोच रहा था आपको फोन करूं, फिर मैंने सोचा अरे तो क्लास तो चल रहा होगा, देखें। हाँ 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 मैं आपको फोन करने वाला था। नमस्कार सर। नमस्ते सर, नमस्ते सर, नमस्ते, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। देखिए कितने खुश हो रहे हैं सभी, आप रोज थोड़ा चेहरा दिखा दिया कीजिए। मेरी कक्षा में रहिए ना, थोड़ा सा मेरा मनोबल बढ़े। हाँ क्या हुआ? आप कक्षा में बने मनोबल, मनोबल आपका कम है क्या? बढ़ेगा फिर। और बड़े भाई रहेंगे तो ज्यादा बढ़ेगा ना। अरे नहीं, मनोबल बढ़ चुका है। और ऐसे क्या मुफ्त में ये बाल सफेद ऐसे हो गए क्या सूर्य किरण से? ये मनोबल से ही दाढ़ी बाल सब पक गए हैं। ये मनोबल है, मनोबल ही आपका अनुभव है। मुझे फुर्सत नहीं मिलती इसको साफ करने के लिए, मैं क्या करूँ? जरूरत नहीं है। आप बड़े अच्छे लगते हैं। इसमें अच्छा। मेरी तो जलन होती है। मैं भी चाहता हूँ कि आपके जैसे दाढ़ी बढ़ा दूँ, बाल बाल सब पक गए, समझ रहे हैं? भाभी मानेगी, पीछे पड़ जाएगी। इसमें व्यक्तित्व बढ़ता है। आपने जान बूझ कर दाढ़ी छोड़ दी है, मैं जानता हूँ। लेकिन लेकिन सारथी बाबा जब पकड़े गए तब आप भी आपको देखते आप कोई अरे पकड़ लेते। उसका इसका नाम क्यों लेते हैं भाई? मुझे उसके साथ क्यों तो मेरी तुलना करते हैं, वो तो बदमाश है। उस समय क्या हुआ? दाढ़ी रखने वाले मूछे रखने वालों को पकड़ लिया गया। बहुत डर के मारे कुछ लोगों ने दाढ़ी काट दी। मैंने भी काट ली थी। अच्छा। तो आप भी डरते हैं? अरे भाई कौन नहीं डरेगा, जो डरते मॉब लिंचिंग, मॉब लिंचिंग से कौन नहीं डरेगा? अरे सुनिए, जो डरता है उनका मनोबल बढ़ता नहीं। अच्छा चलिए, तो आप हाँ। आप कक्षा में पढ़ाइए, मैं क्यों आपको डिस्टर्ब करूं? जी 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 नहीं, थोड़ा सा रिक्रेशन होना चाहिए बीच में, तो धरती धर्म अपना शुरू करते हैं। ओके सर, मुझे कुछ पूछना था। हाँ बोलो बोलो। नहीं बिल्कुल मत पूछो, सुनो पहले सर। बोलो। रेयत बारी और इस्तम बारी, उसका मतलब क्या है? रेयत मतलब जो दूसरे के खेत में काम करता है। जी सर, वो रेयत है। ठीक है, आप उसको थोड़ा अध्ययन खुद करो। हाँ समझ गए सीमा। और इस्तंबारी पढ़ो थोड़ा सा, मुझे याद नहीं है। इस्तंबारी जैसे जैसी शोषक प्रथाएं कायम रहेंगी वैसा लिखा है वो। हाँ हाँ, उसका मतलब है कि जमीन किसी को दे दी। मैं बिल्कुल ये नहीं हूँ, मतलब क्या कहते, निश्चित नहीं हूँ। जमीन किसी को दे दी बटाई पर दे दी जी सर, और दोनों आधा आधा की है। और रैयत वारी मतलब आपकी जमीन है, मैंने उसमें मेहनत की। जी सर, उसको थोड़ा स्पष्ट रूप से देखना। जी सर, ठीक है। जी सर, हाँ जी सर, वो इतना महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है।
अच्छा धरती धर्म अपना थोड़ा करते हैं हाँ। तो ये इसके जो रचयिता हैं इनका नाम है जगदीश चंद्र, ठीक है, ये फौजी थे, अपने जीवन में फौज की नौकरी करते थे और देश भर में इन्होंने कई मोर्चों पर काम किया है। और एक जगदीश चंद्र माथुर हैं, आपको उसमें स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, एक जगदीश चंद्र ये जो हैं ये उपन्यासकार हैं, कथाकार हैं, और जगदीश चंद्र माथुर जो हैं वो नाटककार हैं, ठीक है, दोनों में फर्क समझ लीजिए। और दोनों की रचनाओं के नाम आप नोट कर लीजिए अलग अलग, ताकि कहीं आपके मन में कोई शंका ना आए, ठीक है। अब ये इनका जो उपन्यास है ये मैं लिखा दूं क्या? यस सर, मैं लिखवा देता हूं, ठीक है। धरती धन अपना उनका उनकी पहली रचना है यादों का पहाड़, यादों का पहाड़ 1966, जल्दी जल्दी लिखो सर, 1966 66, ठीक है। और उसके बाद दूसरी रचना जो है धरती धन अपना है, इसका प्रकाशन हुआ 1972, 1972, ठीक है। तो ये जो धरती धन अपना इन्होंने बहुत पहले शुरू कर दिया था, लेकिन कुछ अध्याय लिखने के बाद बंद हो गया, नहीं लिख पाए। फौजी जीवन में ऐसी ऐसी समस्याएं आती हैं, मेरा व्यक्तिगत अनुभव कुछ है कि लेखक नहीं लिख पाता है, कुछ कार्यस्थल की समस्याएं होंगी, कुछ अधिकारी वर्गों की समस्या होगी, प्रशासनिक समस्याएं आ जाएंगी, ठीक है, संचलन की समस्या, संचलन समझते हैं, एक जगह से दूसरी जगह भेज देंगे, फलाना जगह जाओ मोर चलो, तो इसमें लेखन कार्य बहुत बाधित होता है। तो वो रुक गया, फिर उन्होंने जब लिखा तो यादों का पहाड़, यादों का पहाड़ फौजी जीवन में बहुत प्रकार की घटनाएं घटती हैं, व्यक्तिगत जीवन और फौजी जीवन में काफी उतार चढ़ाव आते रहते हैं, यादों का पहाड़ लिखा, वो छप गई, लेकिन वह रचना इतनी मशहूर नहीं हुई। जब धरती धन अपना छपा 72 में, यह दलित जीवन पर लिखा है, पंजाब में, पंजाब का जो दलित समाज है, ये जो लेखक हैं ये जिस क्षेत्र के हैं पंजाब में, ठीक है, उस उनका जो ननिहाल है अपना पितरों का, मतलब अपना गांव और ननिहाल, वो थोड़ी थोड़ी दूर में थे, तो दोनों गांवों में ये रहे हैं और बचपन इनका गुजरा है, तो वहाँ इन्होंने जो अपनी आंखों से देखा इनके मन को काफी गहराई तक कचोटा उस स्थिति ने, तो उसको इन्होंने उकेरा है इस उपन्यास में। चूंकि इस विषय पर उससे पहले किसी ने विस्तार से लिखा नहीं था, प्रेमचंद के, प्रेमचंद की रचनाओं में यद्यपि है लेकिन केवल दलित जीवन पर ही उपन्यास नहीं था, यह पहला उपन्यास था दलित जीवन पर आधारित, संपूर्ण जो कथानक है वो दलित जीवन पर, इसलिए
यह कथानक जो है यह उपन्यास बहुत ही मशहूर हुआ। फिर उसके बाद में इसकी इसका दूसरा भाग अगला भाग उन्होंने लिखा नरक कुंड में वास। लिखो नरक कुंड में वास 1993 में छपा। ठीक है लिख लिया। फिर तीसरा भाग इसका लिख लिया। नहीं सर नरक कुंड में वास जल्दी जल्दी हाथ चलाओ ना, मैं अभी 10 बार लिख चुका होता इतने समय में। सर 1993 फिर तीसरा भाग इसका जमीन अपनी ही तो थी, ही नहीं है जमीन अपनी तो थी। ये छपा 2001 में। ये इनकी मृत्यु के पश्चात छपा है। ठीक है इनका जन्म स्थान है पंजाब का होशियारपुर जिला घोड़ेवाहा। जन्म स्थान का नाम है सर फिर से बोलिए। पंजाब होशियारपुर जिला घोड़ेवाहा। घोड़ा घोड़ा हॉर्स घोड़ेवाहा। ठीक है 23 नवंबर 1930 में 23 नवंबर 1930 ठीक है। तिरोधान सर 1930 या 23 हाँ 1930 30 और इनकी मृत्यु हुई 10 अप्रैल 1996 66 वर्ष के थे। ठीक है लिख लिया। ये जो तीन उपन्यासों के नाम हमने बताए इसको कहते हैं सर्वाधिक चर्चित उपन्यास त्रयी। सर्वाधिक चर्चित उपन्यास त्रयी ठीक है। फिर इनको ज्ञानपीठ मिला है मुट्ठी भर कंकर। एक और उपन्यास है मुट्ठी भर कंकर उसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला है। उसका दूसरा भाग है घास गोदाम। घास गोदाम और उसका तीसरा भाग है कभी न छोड़े खेत। कभी न छोड़े खेत ठीक है। हाँ लिख लिया। हाँ सर ये जो कभी ना छोड़े खेत इसका नाट्य रूपांतर भी हुआ है टेली सीरियल भी हुआ है। ठीक है यह उपन्यास है पंजाब के किसान जीवन पर। पंजाब के किसान जीवन पर आधारित है। हो गया। इन्होंने अपने सैन्य जीवन के अनुभव लिखे हैं। सैन्य जीवन का अनुभव आधा पुल। आधा पुल और एक है टुंडा लाट। टुंडा लाट टुंडा लाट और टुंडा लाट का अगला भाग है दूसरा भाग लाट की वापसी।
लाट की वापसी, इनकी कहानियों का संग्रह है पहली रपट। क्या सर? पहली रपट, इंग्लिश में जिसको रिपोर्ट बोलते हैं, हिंदी में रपट बोलते हैं उसको। एक नाटक लिखा है इन्होंने जिसका नाम है नेता का जन्म। जल्दी लिखो, समय खत्म होने वाला है। हो गया सर। नाटक क्या लिखी? नेता का जन्म। एक रिपोर्टाज है ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार जो अमृतसर के इसमें हुआ था स्वर्ण मंदिर में। फिर उर्दू लेखन पुराने घर। उर्दू लेखन में पुराने घर। और एक पंजाबी रचना है इनकी उड़ी का। सर क्या बोले हैं? रिपोर्टाज। रिपोर्टाज नहीं लिखी अभी तक। ऑपरेशन ब्लू स्टार। तुम लोग घर पर बिल्कुल नहीं लिखते, कलम पकड़ते ही नहीं। सर पुराने घर के बाद क्या है? पुराने घर के सर उड़िया का रिपोर्टाज ऑपरेशन ब्लू स्टार। फिर उर्दू लेखन पुराने घर। पुराने घर। फिर पंजाबी लेखन उड़ी का। उड़ी का सर उड़ी का मतलब क्या है? मैं नहीं जानता, देखना पड़ेगा। ठीक है, पंजाबी शब्द है उड़ीका। ठीक है सर, हम सर्च आप लोग सर्च करो सर उड़ीका। सर उड़ा में बड़ी की मात्रा, क में आ की मात्रा, उड़ीका। हाँ आप लोगों को मेरा गुरु होना चाहिए क्योंकि तकनीक में आप लोग आगे होना चाहिए, ठीक है ना? तो हम आपका मार्गदर्शन करेंगे, आप हमारा मार्गदर्शन करेंगे। क्यों गलत है क्या? जो ज्ञान नहीं है सर, नहीं। हाँ? हाँ सर हम सोच के बताते हैं अभी। बुद्ध माता, ठीक है शाबाश। तो ये है इनकी रचनाओं के बारे में। नहीं सर जी नहीं। हाँ बोलो सपना। बोल सपना क्या बोल रही थी? ये सब जितना आपने लिखा है अपना में पढ़ा है क्या सारा चीजें? क्या जितना आपने लिखा है धरती धन अपना में ये सब चीजें पढ़ना है क्या? अरे ये तो लेखक की रचनाएं हैं। अच्छा लेखक की रचना, ये उपन्यास कहानी है ये सब नाम क्या? रामायण खत्म हो गया और पता नहीं है कुछ भी पिता। सुनो ये है उनकी रचनाएं उपन्यासों के नाम। सबसे पहले जो मैंने बताया यादों का पहाड़, धरती धन अपना, नरक कुंड में वास, जमीन अपनी तो थी, मुट्ठी भर कांकड़, घास गोदाम, कभी न छोड़े खेत, आधा पुल, टूंडा लाट, लाट की वापसी, ये सब उपन्यास हैं, ठीक है? उनमें से ये अपने सैन्य जीवन के अनुभव, ये तो अंतिम तीन है, आधा पुल, टूंडा लाट, लाट की वापसी, ये उनके सैन्य जीवन पर आधारित है तीनों उपन्यास है, ठीक है? और उसके बाद मैंने जो बताया कहानी संग्रह अलग अलग बताया है मैंने। पहली रपट कहानी संग्रह है, नेता का जन्म नाटक है, ऑपरेशन ब्लू स्टार रिपोर्टाज है, पुराने घर उर्दू में लिखा हुआ है, उड़ी का पंजाबी में लिखा, वो क्या है मुझे पता नहीं है, देखना पड़ेगा। इतना गहराई से आपको अध्ययन करने की जरूरत नहीं है, आप
कुछ उपन्यासों के नाम लिख देंगे और अंत में थोड़ा लिख देंगे, उन्होंने नाटक भी, एक नाटक भी लिखा है और उर्दू और पंजाबी में भी लिखा है। प्रतीक्षा पंजाबी प्रतीक्षा। हाँ जी हाँ जी। अच्छा हाँ जी। शाबाश शाबाश सोना। मैं अगर तुम्हारी काफी जांचता तो तुम्हें 5 नंबर ज्यादा देता। जी सर धन्यवाद। स्कूलों में ग्रेस मार्क देते हैं ना किसी बच्चे पर, टीचर खुश हो जाते हैं तो परीक्षा में 5 नंबर अधिक मिलेगा, हमें मिलता था बचपन में। हाँ कोई सवाल कोई नहीं बता सकेगा, बड़ा गंभीर सवाल है, हमने बता दिया। खासकर अंग्रेजी में मिलता था मुझे, अब मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। अच्छा तो ये जो धरती धन अपना, मैं आपको बता देता हूँ, एक काली नाम का एक लड़का है, काली कालीचरण। काली शहर चला जाता है कमाने के लिए और शहर से वापस लौटता है 6 साल के बाद। तो 6 साल के बाद वापस लौटने के बाद गांव में क्या क्या होता है उसके साथ, और उसका काफी जीवन वहां बीतता है, और अंत में यह एक दुखांत उपन्यास है। इस दुखांत उपन्यास में नायिका जो है उसकी हत्या हो जाती है। ठीक है। और नायक जो है वो हार कर उसे गांव छोड़ना पड़ता है। ठीक है। यह दुखांत उपन्यास है। तो एक प्रश्न उठता है, मैं तो उसको बोलूंगा कल बताऊंगा। दुखांत उपन्यास में इसमें आपको मैं कई चीजें लिखाऊंगा, कुछ श्लोक लिखा दूंगा जातिवाद के बारे में, आप लोग जरूर उसको याद कर लेना। और जो दुखांत उपन्यास जो साहित्य है, दुखांत नहीं होना चाहिए सुखांत होना चाहिए, ऐसा विवाद हमेशा चलता रहता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे कल। और उपन्यास की कथानक जो है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो उसमें आपको दुखांत उपन्यास क्यों होना चाहिए, उसका प्रभाव बहुत अधिक होता है, जिसको अब आजकल तो पाश्चात्य जगत को लोग अनुकरण ज्यादा करते हैं। मैं चश्मा लगाने से मुझे ऊब आती है, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो जैसे इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अरस्तु, अरस्तु ने क्या कहा था, ट्रेजेडी, नाटक को वो लोग ट्रेजेडी ही बोलते हैं, ड्रामा नहीं बोलते हैं। ट्रेजेडी मतलब क्या है, मतलब वो दुखांत ही होना चाहिए। क्यों, सुखांत नाटक हो जाएगा तो जो दर्शक है वो आराम से सो जाएगा, देखने के बाद घर जाके सो जाएगा, खुश हो जाएगा। दुखांत नाटक होने से वो सो नहीं सकेगा, वहां से निकलने के बाद में उसके वो नाटक की घटनाएं उसके दिमाग में बार बार कौंधती रहेगी, और वह सोते सोते भी विश्लेषण करता रहेगा, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा होना चाहिए था, उसको ऐसा करना था। वो नायिका की हत्या हो गई तो वो उसका कारण ये था, उससे पहले उसको ऐसा ऐसा करना था, वैसे करना था, ऐसा करते तो नायक को हारना नहीं पड़ता। ये सारी बातें उसके दिमाग में आएंगी जो सामाजिक क्रांति को जन्म देगी। ऐसे विचार सिर्फ एक दर्शक नहीं है, हजारों दर्शक हैं, और वह नाटक कई जगह मंचन होता है, तो सारे समाज में उस नाटक का जब मंचन होगा तो बड़े व्यापक स्तर पर लोगों का मन उद्वेलित होगा, और वो जो विचार उस लोगों के मन में आएंगे, उन विचारों के कारण कालक्रम से समाज में क्रांति आएगी। एक उस विचार से
कुछ लोग प्रभावित होकर के नेतृत्व लेंगे, सामाजिक परिवर्तन होगा या राजनीतिक परिवर्तन होगा, कुछ ना कुछ परिवर्तन जिसको क्रांति बोलते हैं। तो क्रांति के लिए समाज का, साहित्य का उद्देश्य क्या है? साहित्य का उद्देश्य है समाज का सुधार करना, समाज का चित्र हूबहू चित्र आंकना। क्या समाज में सब कुछ आदर्श के अनुसार ही होता है? क्या नहीं होता है? हम लोग बहुत बार माने हम लोगों को हार का मुंह देखना पड़ता है। तो इसलिए जो यथार्थ है, यथार्थ का वर्णन करना है और उससे सामाजिक क्रांति को जन्म देना है, यह साहित्य का उद्देश्य है। संक्षेप में मैंने बताया, कल इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आप लोगों का पीजीडीटी का एक ग्रुप बना है, उसका लिंक दिया गया है हमारे ग्रुप में, और यहाँ हमारे ग्रुप का वो देखिए लिंक दिया हुआ है चैट बॉक्स में। कक्षा खत्म होने से पहले जो लोग नहीं ज्वाइन किए हैं ज्वाइन कर लीजिए, और उस ग्रुप में पीजीडीटी का भी है। तो पीजीडीटी का जो ग्रुप बना है वह है सिर्फ पीजीडीटी वालों के लिए नहीं है, जो लोग अनुवाद करना चाहते हैं, अनुवाद का अभ्यास करना चाहते हैं, पीजीडीटी नहीं कर रहे हैं या एमएटीएस कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं ट्रांसलेशन में, कोई भी व्यक्ति उसमें उस ग्रुप में आ सकता है। आज की कक्षा इतने में समाप्त करते हैं, और मुझे आशा है मेरी कक्षा आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मैं पूरी मेहनत करके प्रयास करता हूं कि आप लोगों को दिमाग में एक बार में बैठ जाए, जो मैं बता रहा हूं वो ऐसा बैठे कि वो और छूटे नहीं, परीक्षा में दोबारा देखने की जरूरत ना पड़े, ऐसा प्रयास मेरा रहता है। फिर भी मैं कितना कामयाब हूं वो आप लोगों के विचारों से पता चलेगा। जय हिंद। जय हिंद सर, बहुत अच्छी कक्षा थी सर। जय हिंद सर। खुश रहो बेटा। थैंक यू सर। शुभ रात्रि। थैंक यू सर। शुभ रात्रि सर। थैंक यू। जय जगन्नाथ सर। जय जगन्नाथ सर। वो तो कुछ नहीं देखता है, उसके हाथ नहीं है, पांव नहीं है, वो किसी का कोई उपकार नहीं करता है। जय जगन्नाथ। नहीं सर, वो सब कुछ जानते हैं। कुछ नहीं करता है, जानता है, बड़ी बड़ी आंखें हैं। क्यों सर इतना खफा क्यों है आप उस भगवान से? उसने मुझे परेशान किया है इसलिए बोल रहा हूँ। वो चका है कि सब देखता है। देखता है तो करता नहीं है ना, उसके हाथ नहीं है, बोलता मैं कुछ नहीं कर सकता। सर वो परीक्षा ले रहा है इसीलिए आपको लग। मेरा पाँव नहीं है, मैं तेरे पास नहीं जा सकता, हाथ नहीं है, तुझे कुछ दे नहीं सकता। भगवान सभी माने मतलब सब जगह है भगवान। सर ईश्वर, ईश्वर हर जगह है, जगन्नाथ नहीं है। नहीं सर, जगन्नाथ सब पर भी है। मैं ऐसा मानता हूँ। ठीक है, अभी खत्म करते हैं बेटा। हाँ, वहाँ पहले बैठे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, रखते हैं। हाँ, समय हो चुका है, वो लोग जाएंगे। खुश रहो।